It all begins in your mind. What you give power to has power over you. ये एक बहुत ही सिंपल कोट है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। हमें कई बार हमारी लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई हमें ओवर पावर कर रहा है, या हम बहुत दबे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, हर छोटी से छोटी चीज हमें हर्ट हो जाती है। और ये चाहे लोगों से हो सकता है, सिचुएशन से हो सकता है, रिश्तों से हो सकता है, पर पता है ऐसा क्यों होता है? जब हम उन लोगों को या उन सिचुएशंस को, उन रिश्तों को इतना पावर देते हैं कि वो हमें ओवर पावर कर सके। ये सब तभी होता है, और जहां अपने वो पावर उनसे छीन लिया, वो वैल्यू अपने लाइफ से खत्म कर दी या कम कर दी, अपने आप आपको वो चीजें हर्ट होना बंद हो जाती है। तो क्या ये बदलाव, ये चेंज बाहर हो रहा है? नहीं, ये सारा बदलाव, ये सारा चेंज आपके दिमाग में होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई भी जंग आपने अपने दिमाग में जीत ली, तो आपकी आधी जीत तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब बस बाहर आधी ही जीत हासिल करना बाकी है। आपका माइंड इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, तो आप अपने माइंड को कैसा एनवायरमेंट देते हैं वो ही डिसाइड करता है कि बाहर आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर वो एनवायरमेंट अच्छा है तो आपकी लाइफ बाहर हैप्पी होगी, पीसफुल होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी, लेकिन अगर वो एनवायरमेंट गलत है तो आपकी लाइफ मैसी होगी, स्ट्रेसफुल होगी, और हर छोटी से छोटी चीज भी आपको दुखी कर चली जाएगी। तो आज मैं कोई बहुत बड़े पॉइंट्स लेकर नहीं आई, या बहुत बड़े स्टेप्स जो बड़े बदलाव ला सके नहीं बताने आई। दो छोटे स्टेप्स अगर आपने अपनी लाइफ में ला लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आप अपने माइंड को एक बेहतर एनवायरनमेंट देते हैं। नंबर वन, रीडिंग। रीडिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए, बिकॉज द मोर यू रीड द मोर यू लर्न एंड द मोर यू चेंज। पढ़ना आपकी लाइफ में ऐसे लेसन ऐड कर सकता है जो आपने एक्सपीरियंस भी नहीं किए, क्योंकि मान लीजिए किसी ने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को अपनी किताब में लिखा है, तो वो 10 साल के एक्सपीरियंस को आप कुछ दिनों में ले सकते हैं सिर्फ एक अच्छी किताब पढ़कर। रीडिंग आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस लेकर आता है, इतने अच्छे थॉट्स लेकर आता है, और इतने अच्छे लेसन्स लेकर आता है। पर हो सकता है कि कई लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, या उन्हें एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो आज एक और ऑप्शन है, ऑडियो बुक्स। आप पढ़ना नहीं चाहते तो उसे सुन सकते हैं। कुकू FM इज द ऑडियो प्लेटफॉर्म दैट आई विल रेकमेंड। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, विथ ओवर 1000 प्लस आवर्स ऑफ कॉन्टेंट लाइब्रेरी, ओवर 4.5 प्लस ratings, एंड a huge लाइब्रेरी ऑफ मोटिवेशनल content इन रीजनल languages, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें से मैं करेंटली सुन रही हूँ स्लाइस ऑफ लाइफ, और जिसे आप भी सुन सकते हैं एक अच्छे मोटिवेशनल content के लिए। तो जरूर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करें, बिकॉज कुकू FM हैज एन एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट 250 यूजर्स, और आप मेरा कोड JK50 भी यूज कर सकते हैं फॉर 50% डिस्काउंट, और इसमें आप भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं एनीवेयर यू वांट, एनी टाइम यू वांट। नंबर टू, लर्न समथिंग न्यू। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में इतने ईज में चले जाते हैं कि हमें हर नई सिचुएशन डरावनी लगती है, रिस्की लगती है, हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते, ओवरथिंक करने लग जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और उससे भागने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए जरूरत है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें। कैसे? हर एक इंटरवल में एक नई चीज सीखिए, एक नया स्किल सीखिए, किसी ना किसी चैलेंज का सामना करें। इससे आपके लाइफ में अगर कोई भी बड़ा चैलेंज अचानक आया, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को हैबिट हो चुकी है हर कुछ समय में एक नई चीज का सामना करने की, चाहे वो नए स्किल को लेकर हो, सिचुएशन को लेकर हो, टैलेंट को लेकर हो, क्योंकि आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया है। तो यही चीज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है, आपको बड़े बड़े चैलेंजेस के सामने स्ट्रांग खड़े रहने की ताकत देती है। तो ये दो सिंपल स्टेप्स, रीडिंग और लर्निंग समथिंग न्यू, आपके माइंड के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं,
आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड को वो पावर देते हैं जो उसके पास होना चाहिए, ताकि कोई और सिचुएशन उसे ओवरपावर ना कर सके।